हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं एल हेस्ट टैबलेट की जानकारी लेकर आई हूँ। यह एल्केम कंपनी द्वारा निर्मित है और लिवोसिट्रिजिन इस दवा का घटक है। लिवोसिट्रिजिन का प्रयोग एलर्जी संबंधी परेशानियों के उपचार के लिए किया जाता है। एलर्जी संबंधी बुखार, वर्षीय एलर्जी जैसे कि धूल से एलर्जी और पालतू जानवरों से एलर्जी, इस तरह लिवोसिट्रिजिन एंटी हिस्टामाइन या हिस्टामिन रोधी नामक दवाइयों के समूह में आता है। यह एक प्राकृतिक पदार्थ को अवरुद्ध करता है जो कि एलर्जी की प्रतिक्रिया के दौरान शरीर में उत्पन्न होता है। यह दवा एंटी हिस्टामाइन नामक ड्रग ग्रुप के अंतर्गत आता है, जो नाक बहने, खुजली या आँखों से पानी आना, छींकने, आर्टरी केरिया जैसे लक्षणों को दूर करने में मदद करता है, जो आमतौर पर सभी वर्ष दौर के साथ साथ मौसमी एलर्जी से संबंधित होते हैं। यह दवा हिस्टामाइन को ब्लॉक करती है, जो शरीर एलर्जी की प्रतिक्रिया के समय उत्पन्न करता है, जिससे आपको प्रतिक्रिया के लक्षणों से छुटकारा मिलता है। आप अपने भोजन के साथ या इसके बिना दवा ले सकते हैं। इस दवा की खुराक आपकी उम्र, स्थिति की गंभीरता, मेडिकल हिस्ट्री और पहली खुराक के बाद आपके शरीर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। आपके डॉक्टर को आपके मेडिकल इतिहास और स्थिति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। साथ ही कुछ शर्तों जैसे गर्भावस्था, एलर्जी, बढ़े हुए प्रोस्टेट या गुर्दे की बीमारी से पहले आपको इस दवा को निर्धारित किया जाना चाहिए। आप इसको अपने भोजन के साथ या इसके बिना ले सकते हैं। इसके अलावा शाम के दौरान इसे लेना बेहतर होता है, क्योंकि यह आपको दिन में भीगने से बचा सकता है। और सुनिश्चित करें कि एक खुराक को छोड़ देने की स्थिति में दवा का ओवरडोज न लें, क्योंकि इससे अन्य साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। और यह भी ध्यान रखना है कि इन दवाओं को अचानक न रोकें, क्योंकि ऐसी संभावना है कि आपके लक्षण खराब हो सकते हैं। दवा की अधिक मात्रा लेने पर व्यापक ऊनीनपन हो सकता है। यह आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। लिवोसिट्रिजिन का दुष्प्रभाव आयु वर्ग के आधार पर भिन्न हो सकता है। 12 वर्ष के उम्र के बच्चों और वयस्कों के मामले में सामान्य दुष्प्रभाव गले में खराश, शुष्क मुँह, थकावट और गले और नाक की सूजन, लालिमा, इस तरह से 6 से 11 वर्ष के बच्चे खांसी, बुखार, नाक से खून बहना, नींद न आने की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। 6 साल से छोटे बच्चों को दस्त, उल्टी और कब्ज का अनुभव हो सकता है। ये हल्के साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक नहीं रहते, लेकिन आप अपने डॉक्टर के से इसके समाधान के लिए सलाह लें। कुछ गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं जिनके लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। एलर्जी प्रतिक्रियाएं जो खुजली, आपके चेहरे या गले की सूजन या एक्ने होने का कारण बन सकती है। साथ ही किडनी से कुछ जुड़ी समस्याएं और धुंधला दिखना, आपकी त्वचा या आँखों का पीला पड़ना, सांस लेने में तकलीफ, इस तरह से लिवोसिट्रिजिन को ऊनीनपन का कारण माना जाता है, खासकर शुरुआती घंटों में। इस अवधि के दौरान ड्राइविंग या मशीनरी का उपयोग करने जैसी गतिविधियों से दूर रखें अपने आप को। इसके अलावा शराब से बचें, क्योंकि यह आपके सूखने के एहसास को और बढ़ा सकता है। यह जानकारी साल्ट और दवा की सामग्री पर आधारित है। दवा का प्रभाव और उपयोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। इस दवा का उपयोग करने से पहले एक आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श करना उचित होता है। यह दवा चुनिंदा रूप से परिधीय H1 रिसेप्टर्स को रोकता है, जिससे शरीर में हिस्टामाइन का स्तर कम होता है। यह विशेष रूप से पेट और आंत, ब्लड वेल्स और फेफड़ों में जाने वाले वायु मार्ग के कारण होने वाली एलर्जी पर काम करता है। इस दवा को भूल जाने पर छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और अगली खुराक का समय होने पर उस खुराक को लें। इस दवा का ओवरडोज होने पर चक्कर आना, बेचैनी और भ्रम शामिल हैं। लक्षणों की गंभीरता के आधार पर गैस्ट्रिक, लवे जैसे सहायक उपाय शुरू किए जा सकते हैं।
तो फ्रेंड इस तरह से एलहिस्ट 5 mg टेबलेट की जानकारी जो दी है, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस दवा के दुष्प्रभावों से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह से ही इस दवा का उपयोग करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।